भंडारे में जो कद्दू की सब्जी बनाई जाती है वो इतनी टेस्टी होती है कि खाने वाले का पेट भर जाता है लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरता। तो आज उसी स्टाइल से मैं आपके साथ कद्दू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसी कद्दू की सब्जी हलवाई बनाता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप अगर इस रेसिपी को यूज़ करके कद्दू की सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बिल्कुल भंडारे जैसी हलवाई बनाता है बिल्कुल वैसे बनने वाली है। तो चलिए मेकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो कद्दू ले लिया है और उसके साथ मैंने 1 कच्ची कैरी और 2 मिर्चें ले ली हैं। तो सबसे पहले कद्दू को काट लेंगे। तो कद्दू को मैं यहाँ पर पीसेस में कट कर रही हूँ। आपको भी इसे ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है क्योंकि पूरे बड़े कद्दू को आप आसानी से नहीं काट पाएंगे। अगर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो आप इसको काटते टाइम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से काट लेंगे। तो कद्दू का यहाँ पर मैं छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी क्योंकि कद्दू का जो छिलका है वो सॉफ्ट होता है, कई कई बार जो कद्दू का छिलका है वो हार्ड भी हो जाता है। तो आप अपने कद्दू को एक बार चेक कर ले, अगर छिलका हार्ड हो तो उसको उतार ले, अगर हार्ड नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कद्दू मैंने यूज़ किया है उसका छिलका बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट छिलका है, यह आसानी से गल जाएगा। और जो हलवाई कद्दू की सब्जी बनाते हैं वो छिलके के साथ ही बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और छिलका भी उनका आसानी से गल जाता है। तो वो ऐसा ही कद्दू यूज़ करते हैं जिसका कि छिलके की परत पतली होती है, तो उसी कद्दू का वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है क्योंकि अगर यहाँ पर मोटे पीसेस में कट करेंगे तो कद्दू को पकने में टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको मोटे मोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं और अगर टाइम ना हो तो उसको पतले पीसेस में कट कर ले, वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर कद्दू की कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। अब इसको साइड रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की ओर। और तो अब हमें एक कच्ची कैरी लेनी है और उस कच्ची कैरी को हमें छिलका उतार कर अच्छे से चॉप कर लेना है। यहाँ पर कच्ची कैरी की जगह आप टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 से 3 टमाटर का यूज़ कर ले। और अगर टमाटर भी यूज़ ना करना चाहें तो फिर आप आमचूर पाउडर का यूज़ कर ले, सब्जी बनाते टाइम उसमें आमचूर पाउडर का यूज़ कर ले थोड़ा एक्स्ट्रा, जिससे कि कद्दू की सब्जी में वो खट्टा टेस्ट आएगा। और जो खट्टापन होता है कद्दू की सब्जी में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है उसी से कद्दू की सब्जी बेस्ट बनती है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें खट्टापन लाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मिर्चें ली हैं, 2 मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद एक जो कच्ची कैरी मैंने काट के रखी थी उसको भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। कैरी के ऊपर हमें कट लगा लेने हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर कट लगाने हैं जिसकी वजह से आसानी से कैरी कट जाएगी, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में आराम से कट जाएगी। अगर ऐसे आप इसे कट करेंगे तो आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से ये कट जाएगी। जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाएं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कच्ची कैरी का यूज़ करना, और इस टाइम पे तो कच्ची कैरी आराम से मिल जाती है, सब्जी मंडी में भर भर के कच्ची कैरी आई है। तो इस मौसम में आराम से कच्ची कैरी मिल जाती है, बाकी अगर किसी और मौसम में आप बनाएं तो आप आराम से टमाटर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है, अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लेंगे और तेल को गर्म करके ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच जीरा और साथ में इसमें 1 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 2 लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर ले और इनको अच्छे से एक बार कड़छी की हेल्प से चला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मिर्च और कच्ची कैरी। सारी चीज़ों का ऐड करने के बाद इसको एक बार कड़छी की हेल्प से चला लेंगे और यहाँ पर हमें अब इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देना है। और जब तक ये यहाँ पर कुक हो रहा है तब तक सारे मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक इसमें ऐड कर लेंगे। नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। और सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर इसको एक बार कड़छी की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देना है मीडियम फ्लेम पर। और अभी यहाँ साथ साथ इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर लेना है ताकि जो ये कच्ची कैरी है ये आसानी से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे हमें यहाँ पर कुक कर लेना है, जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए तब तक ही हमें इसको कुक करना है। जब इससे तेल अलग होने लग जाएगा तब उस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दू।
और कद्दू ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको कड़छी की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी ग्रेवी के साथ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इस रेसिपी को बनाने में लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम मैक्सिमम लगता है। आसानी से ये थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाती है। इस रेसिपी में हम चीनी या गुड़ का भी यूज करते हैं इसको मीठा बनाने के लिए, तो अभी यहाँ पर हमें उनको ऐड नहीं करना है। पहले हमें कद्दू को अच्छे से कुक होने देना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, पक ना जाए, तब तक इसको ऐसे ही कुक करेंगे। तो सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी, यानी जितने भी कद्दू है वो अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए, इतना पानी हमें उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसको प्लेट ढककर कुक कर लेंगे। फिर 10 मिनट के बाद प्लेट हटाकर एक बार कड़छी की हेल्प से सब्जी को अच्छे से चला लेंगे ताकि जो सब्जी है वो नीचे से लग ना जाए, उसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हमें कद्दू की सब्जी को ऐसे ही भाप में कुक होने देना है, प्लेट ढककर इसको कुक होने देंगे और 5 से 10 मिनट के गैप पर इसको एक बार चेक कर लेंगे ताकि जो सब्जी है वो नीचे से लग ना जाए। ऐसे ये सब्जी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कद्दू को हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, क्योंकि इसमें पानी भी है तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे आराम से। लगभग 15 से 20 मिनट में ये आराम से कुक हो जाएंगे, आराम से पक जाएंगे। और इनके पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप गुड़ ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। अगर किसी के पास गुड़ ना हो तो यहाँ पर वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट अलग ही होता है। गुड़ डालने के बाद सब्जी में जो थिकनेस आती है वो अलग ही होती है, वो गुड़ से ही आती है। तो अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ का यूज करना ही प्रेफर करें। और अब लास्टली इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको एक बार कड़छी की हेल्प से अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसको प्लेट ढककर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद प्लेट हटाकर देखेंगे तो सारा गुड़ आसानी से पिघल चुका है, आसानी से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब गुड़ के पिघलने के बाद यहाँ पर हमें जितना भी कद्दू में पानी है उसको सुखा लेना है। और अगर आप थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी चाहते हैं तो पानी को रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पानी है इसलिए मैं इसको सुखा लूंगी। मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें बचाऊंगी। तो आप जिस टाइप की सब्जी चाहते हैं उस टाइप से इसमें पानी रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो इसमें पानी को एज इट इज छोड़ दें, और अगर कम ग्रेवी वाली पसंद है या सूखी पसंद है तो पानी को सुखा लें। ज्यादातर पानी यहाँ सूख चुका है, जो पानी बचा है इसको मैं सब्जी के अंदर रखूंगी, क्योंकि इतनी तो ग्रेवी चाहिए सब्जी में ताकि जो वो थिकनेस है वो इसके अंदर आए। और ये खाते टाइम जो ग्रेवी का टेस्ट होता है, मीठा मीठा खट्टा खट्टा, वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद सब्जी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। सब्जी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी के साथ कद्दू की सब्जी की वाइब अलग ही होती है। जो पूरी के साथ कद्दू की सब्जी का टेस्ट आता है वो एकदम भंडारे वाला होता है। हमने एकदम भंडारे जैसी सब्जी बनाई है। और अगर आप इसके साथ पूरी भी सर्व कर देंगे तो एकदम भंडारे वाली बात हो जाएगी। खाने वाला इसको खाता ही रह जाएगा, खाने वाले का पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इस सब्जी से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। आपके लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही नई नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बने रहे आपके अपने वेदास किचन के साथ।